ओके गाइस, MI 12 का अपडेट Poco X2 में मिल चुका है और नो डाउट कि MI 12 में काफ़ी कुछ नए फीचर्स को ऐड किया गया है, जो बिल्कुल सिस्टम्स थे वो बिल्कुल चेंज कर दिए गए हैं। काफ़ी सारे नए 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 एनिमेशन और नए नए आइकन्स को ऐड कर दिया गया है। बट गाइस, अभी भी MI 12 में कुछ ऐसे सीक्रेट फीचर्स भी हैं जो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। मतलब ये बिल्कुल सीक्रेट छिपा कर रखा गया है, जिसको अगर आप डीपली ढूंढने जाओ तभी आपको पता चलेगा कि MI 12 में ये सारे फीचर्स भी अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो में उन सारे फीचर्स जानने वाले हैं जो बिल्कुल सीक्रेट है, जो शायद आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, जिसमें हम जानेंगे सारे सीक्रेट फीचर्स को। गैस, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा इसका सेकंड पार्ट भी बना दूँ। तो गैस, ये MI 12 के सीक्रेट फीचर का फर्स्ट पार्ट है। अगर आपको सेकंड पार्ट भी देखना है, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे मैं सेकंड पार्ट अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं MI 12 के सीक्रेट फीचर को MI के नोट्स ऐप से। गैस, MI के नोट्स ऐप में काफ़ी सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया है, बट ज़्यादातर लोगों का ध्यान इस पर गया ही नहीं है कि ये भी फीचर्स में अवेलेबल हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ कि जैसे गाइस, फाइल मैनेजर में आप कोई भी फाइल का फोल्डर बना सकते हो, जिस फोल्डर के अंदर आप काफ़ी सारे फाइल्स को रख सकते हो। सेम वो वाला फीचर आप MI के नोट ऐप में भी आराम से यूज़ कर पाओगे। एज फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो नोट है ये और ये वाला जो नोट है ये, मैं इस दोनों को अगर मैं किसी एक फोल्डर में रखना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, किसी भी एक नोट पर मैं प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा, और सिंपली मैं दूसरे नोट पर जाकर ले जाकर इसको आराम से रख दूँगा। जैसे मैं रखूँगा, इस नोट का एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ पर मुझे इसका नाम सेलेक्ट करने के लिए भी आ जाएगा। मैं जो भी नाम रखना चाहता हूँ उस नाम को यहाँ पर आराम से रख दूँगा। ये एक फोल्डर बन जाएगा दो नोट का। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, आप यहाँ पर आप देख सकोगे ये दोनों नोट एक ही फोल्डर में आ चुका है। फिर आपको अगर और भी इसमें फोल्डर बनाना है और भी नोट्स में ऐड करना है, सिंपली आप प्लस आइकन में क्लिक करते जाओ, यहाँ पे जो भी लिखना हो लिख दो, यहाँ पे टिक पे क्लिक कर दो, यहाँ पे और भी यहाँ पे नोट्स ऐड हो जाएंगे सेम इसी फोल्डर में। बट अगर आपके दिमाग ये चल रहा है कि अगर मैं इसको यहाँ पे एक साथ तो रख दिया, अब इसको हटाऊंगा कैसे, इसको रिमूव कैसे करूंगा मैं, तो सिंपली आप क्या करो, जिस भी नोट को आपने यहाँ पे ऐड किया है उसको आप प्रेस एंड होल्ड करके रखो। फिर यहाँ पर नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा आपको मूव टू का, आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपको पैरेंट फोल्डर, न्यू फोल्डर या दूसरे फोल्डर में इसको आप ऐड करना चाहते हो। तो पैरेंट फोल्डर आपको क्लिक करना, क्योंकि ये फोल्डर जहाँ से आया था मुझे वहाँ भेजना है, तो मैं पैरेंट फोल्डर जैसे मैं क्लिक करूँगा ये फोल्डर वहीं चला जाएगा जहाँ से ये आया होता है। सेम इस तरह इसको भी आप कर सकते हो, प्रेस एंड होल्ड करके रखो, मूव टू पर क्लिक करो, आई इसको पैरेंट फोल्डर पर क्लिक कर दोगे तो ये फोल्डर वहीं चला जाएगा जहाँ से ये आया होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का फीचर है, जो ज़्यादातर लोग आपको शायद अभी तक बताए नहीं होंगे। नेक्स्ट ट्रिक की बात करता हूँ, नेक्स्ट सीक्रेट फीचर की बात करता हूँ मैं 12 के, वो ये है कि जैसे यहाँ पर आप टास्क को लाइक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर बेसिकली कि आपको भी एक टास्क ऐड कर सकते हो, फिर उसको एक रिमाइंडर भी लगा सकते हो ताकि उस टाइम में आपको रिमाइंड कर दे कि आपने एक टास्क लगाया हुआ है। तो एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मैं एक टास्क यहाँ पर सेट करता हूँ, ठीक है, मैं नाम डाल देता हूँ कि अपलोड अ वीडियो ऑन MI UI 12 सीक्रेट फीचर्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे रिमाइंड कर दे 10:30 बजे, ठीक है, 10:30 बजे मुझे रिमाइंड कर दे, 10 बजे जाऊँगा मैं, अब मैं टाइम सेलेक्ट कर लूँगा, इसमें यहाँ पर टाइम इसको बदला दूँगा, मुझे 10:30 बजे आराम से रिमाइंड कर देगा। बट गाइस, यहाँ पे ही ख़त्म नहीं होता है। अगर आप चाहते हो ये रिमाइंडर आपके होम स्क्रीन पर दिखता रहे हमेशा, ताकि आप बीच बीच में अगर भूल गए कि आपने कोई टास्क सेलेक्ट किया हुआ था, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि हाँ, मुझे 10:30 बजे कोई काम करना जो कि मैंने सेट करके रखा हुआ है। तो अगर आप वो रिमाइंडर चाहते हो अपने होम स्क्रीन पर हमेशा लगाने के लिए, उसके लिए सिंपली आप क्या करो, उसी नोट ऐप में जाओ, नोट ऐप में जाकर 3 डॉट पर क्लिक करो, इस पर आप क्लिक करो, सेटिंग में क्लिक करो, यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको यूज़ टास्क टूल बॉक्स, ठीक है, ये हमेशा आपको डिजेबल रहने वाला है, बेसिकली डिफॉल्ट डिजेबल रहेगा ये, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इनेबल कर दो। जैसे इसको आप इनेबल करोगे, यहाँ पे छोटा सा एक लकीर दिखना स्टार्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर राइट स्वाइप करोगे इस पर, तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपने कोई टास्क सेलेक्ट किया हुआ जो कि आपको 10:30 बजे उससे पहले कंप्लीट करना है। तो ये भी आपको रिमाइंडर से पहले एक रिमाइंडर आप ले सकते हो, ताकि आप काम को भूलो नहीं कि आपको कौन सा काम कर। हम बात करते हैं नेक्स्ट सीक्रेट MI 12 के फीचर के बारे में। MI UI 12 का नेक्स्ट सीक्रेट फीचर है वीडियो टूल बॉक्स। गाइस, वीडियो टूल बॉक्स एक ऐसा फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है जो आपको सुन लो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो किसी भी वीडियो को एज अ ऑडियो बैकग्राउंड में यूज़ करना, वो प्रॉब्लम सोल्यूशन आपको मिल गया है। गाइस, वीडियो टूल बेसिकली करेगा क्या कि आपकी किसी भी वीडियो को एज अ बैकग्राउंड ऑडियो प्ले करके दिखा देगा, चाहे कोई भी ऐप क्यों ना हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कोई भी ऐप क्यों ना हो, अगर कोई भी वीडियो आप प्ले करते हो उसको आप एज अ ऑडियो सुनना चाहते हो, तो उसे आप आराम से यूज़ कर पाओगे। उसको इनेबल करने से पहले आप क्या करो, अपने फोन के सेटिंग में जाओ, फोन के सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा आपको स्पेशल फीचर्स का, फिर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिखेगा आपको वीडियो टूल बॉक्स का, इस पर आप क्लिक करो, ये बैटफुल आपको डिजेबल रहने वाला है, इस पर आप क्लिक करो, इसको यहाँ से आप इनेबल कर दो, ठीक है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स शॉर्टकट पर क्लिक कर दो, ताकि हमेशा आपके स्क्रीन पर दिखता रहे, इस पर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको इसके बाद आपको जो भी वीडियो का ऐसा बैकग्राउंड ऑडियो उसको यूज़ करना है, सिंपली आप क्या करो, मैनेज वीडियो ऐप्स पर क्लिक करो, आपको जो भी ऐप्स को यहाँ पर सेलेक्ट करना सेलेक्ट कर लो। जैसे मैं चाहता हूँ JioTV को
यूट्यूब को और इंस्टाग्राम में चाहता हूँ कि इसको बैकग्राउंड ऑडियो होता है, इसको मैं यूज़ करूँ। तीनों मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा उसका, अगर मैं इनमें से किसी भी ऐप को मैं ओपन करता हूँ तो नीचे यहाँ पे मुझे एक लकीर दिखेगा, जिसका मतलब ये होगा कि हम उसको एज अ बैकग्राउंड ऑडियो यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल बताता हूँ यूट्यूब ऐप में, जिस यूट्यूब में ओपन करता हूँ मैं, ओपन करते हैं यहाँ पे एक लकीर आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। जिस लकीर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का ओपन होता है। तो मान लो मैं एक वीडियो यहाँ पे प्ले करता हूँ, ठीक है, वीडियो यहाँ पे प्ले होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लॉक करूँगा तो ये लॉक हो जा रहा था, बट अभी देखो गाइस मैं इस लकीर पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे एक कान का सिंबल दिख रहा है, ये वाला सिंबल, जिस इसमें मैं क्लिक करूँगा ये वीडियो एज अ बैकग्राउंड ऑडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें क्लिक करता हूँ, इसमें क्लिक किया, स्क्रीन मेरा ऑफ हो चुका है, बट अभी भी बैकग्राउंड में ये ऑडियो प्ले हो ही रहा है। ये काफ़ी अच्छा फीचर है, जो भाई काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम था कि लोगों के लिए कि यूट्यूब के वीडियो को या किसी भी ऐप के वीडियो को एज अ बैकग्राउंड ऑडियो हम कैसे प्ले करें, तो उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल गया हुआ है। तो अगर आपको ये वाला ट्रिक अच्छा लगा, ये वाला फीचर अच्छा लगा, काम का लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखते हैं ये वाला फीचर कितने लोगों को पसंद आया है। हम बात करते हैं नेक्स्ट सीक्रेट फीचर के बारे में। तो वैसे एम आई 12 का नेक्स्ट सीक्रेट फीचर है अल्ट्रा बैटरी सेवर। जैसे अल्ट्रा बैटरी सेवर आपको एम आई 11 में ही मिल गया था, बट ये इंडिया वाले एम आई 11 में नहीं आया हुआ था, इसलिए आपको किसी भी इंडियन यूज़र को नहीं मिला था। बट एम आई 12 में आपको जो भी अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन था वो आपको मिल चुका है इंडियन वर्जन में भी। उसको आप इनेबल करके सिंपली आप क्या करो, फोन के सेटिंग में जाओ, फोन सेटिंग में जाकर यहाँ पे आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस एक ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा वो अल्ट्रा बैटरी सेवर का, ठीक है। अगर आप बैटरी सेवर इनेबल करोगे तो ये चीज़ आपको 24 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। बट अगर आप अल्ट्रा बैटरी सेवर इनेबल कर दोगे अभी इस टाइम में जब मेरे पास 34% बैटरी बचा हुआ है, तो ये मुझे 147 घंटे का बैटरी बैकअप दे सकता है। 147 घंटे सोच सकते हो गाइस कितना दिन हो सकता है, एक दिन 24 घंटे का होता है, सोच लो आप। तो यहाँ पे अल्ट्रा बैटरी सेवर सिंपली क्या करता है, आपको जो भी यहाँ पे जो भी आप मेन मेन चीज़ होते हैं, जो भी जैसे नेट यूज़ होना स्टार्ट हुआ या GPS होता है या जो भी चीज़ जो आपके बैटरी बैकअप को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, सबको ये डिसेबल कर देगा। सिंपली सिर्फ आप कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए अपने फ़ोन को आप यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी लंबे टाइम से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हो और काफ़ी लंबे टाइम से आप बैटरी को बढ़ा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है गाइस, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या अगर आपके पास फोन में कम बैटरी बचा हुआ है तो उस कंडीशन में इसको जरूर यूज़ करना, इससे आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप रियली काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अल्ट्रा बैटरी सेवर भी आपको एम आई 12 में मिल गया हुआ है। हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में। गाइस नेक्स्ट सीक्रेट फीचर है एम आई 12 का, वो हाई फाई साउंड। गाइस हाई फाई साउंड को पहली बार एम आई 12 में ऐड किया गया है, जो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। अगर आप किसी भी ऑडियो को बूस्ट करना चाहते हो, किसी भी ऑडियो की आवाज़ को बूस्ट करना चाहते हो, उसके बैकग्राउंड नॉइज़ को अगर रिमूव करना चाहते हो, तो हाई फाई साउंड का यूज़ करके आप आराम से किसी भी ऑडियो को बूस्ट भी कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड नॉइज़ को भी आराम से रिमूव कर सकते हो। अगर उसको यूज़ करना है सिंपली आप फोन के सेटिंग में जाओ, फोन सेटिंग में जाकर यहाँ पे आप साउंड एंड वाइब्रेशन में क्लिक करोगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप नीचे में थोड़ा स्क्रॉल करो और साउंड इफेक्ट पे क्लिक करो आप, यहाँ पे क्लिक करने का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता होगा आपको हाई फाई ऑडियो का, जो बेसिकली आपको बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल रहने वाला है। इसको आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको आप इनेबल कर लो। उसके बाद आप जो भी ऑडियो आप सुनोगे आप खुद फील करोगे वो ऑडियो बिल्कुल बूस्ट हो चुका है, बूस्ट हो चुका है, उसमें आपको जो ऑडियो की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है। इसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए आप सेम उस ऑडियो को एक बार हाई फाई ऑडियो डिसेबल करके सुन लो, एक बार हाई फाई ऑडियो को इनेबल करके सुन लो, तो आप खुद फील करोगे कि ऑडियो कितना ज़्यादा अच्छा से बूस्ट हो चुका है। तो बस ये था कंप्लीट एम आई 12 का सीक्रेट फीचर। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर लीजिए, और इसका जो सेकंड पार्ट वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी सेकंड पार्ट अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप देख सको। तो बस इस वीडियो देखते मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।